नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं मोती महल डीलक्स, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, सदावर्ती चौक आजमगढ़, फ्री होम डिलीवरी अवेलेबल, गोमती ग्रामीण, निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बंपर वैकेंसी, वुडन टच भवनाथ आजमगढ़, अ कम्प्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। नए साल के जश्न के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। शनिवार की शाम के लिए प्रशासन ने शहर को कई सेक्टरों में बांटा है। प्रत्येक सेक्टर की जिम्मेदारी एक प्रशासनिक अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी को सौंपी गई। बिना अनुमति व लाइसेंस के शराब पार्टी का आयोजन करने वालों पर आबकारी विभाग की टीम में भी नजर रखे हुए हैं। शहर के अंदर व बाहर के होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर विशेष निगाह रखी जा रही है। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। जश्न की आड़ में किसी तरह का हुड़दंग हंगामा बर्दाश्त नहीं होगा। पुलिस और प्रशासनिक अफसर अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहेंगे। नववर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले कार्यक्रमों में युवा वर्ग द्वारा मदिरापान पर डीजे आदि पर नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। पुलिस ऐसे आयोजनों पर नजर रखेगी। मोटरसाइकिलों पर स्टंट व तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। संबंधित क्षेत्र अधिकारी व थाना प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपी जांच की। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि पुलिस कर्मियों की छुट्टी निरस्त की गई। एक कंपनी अतिरिक्त पीएसी बल को भी ड्यूटी पर तैनात किया गया है। पुलिस के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए नए साल को लेकर जो हमारे पास मौजूदा जनपद का फोर्स है उनकी सभी की छुट्टियाँ कैंसिल कर दी गई। सभी लोग इस समय फुल फोर्स के साथ इस समय ड्यूटी पर है। इसके अलावा हमारे पास एक कंपनी पीएसी मौजूद है। इसके अलावा हमारे जो अलग अलग पुलिस ऑफिसेज हैं, डिफरेंट इकाई हैं, उनका सारा फोर्स डिप्लॉय किया गया है। हम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक सभी अधिकारी, सभी हमारे इंस्पेक्टर्स और सभी फोर्स है पैदल गश्त मार्केट प्लेसेस में कर रहा है, जो कि महिला और बच्चे सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। 7 बजे से 9 बजे के बीच में जो हमारे शराब के ठेके और अन्य स्थान है वहाँ पर ब्रेथ एनालाइजर से चेकिंग की जा रही है, जो कि कोई शराब पी के वाहन ना चलाए और अगर कोई पाया जाता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और रात में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक जो हाईवे के किनारे जो हमारे ढाबे हैं और होटल्स हैं उनकी चेकिंग की जा रही है कि किसी तरह की वहाँ पे समस्या न उत्पन्न हो। कोई भी हुड़दंग किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो रोड्स हैं, जो लंबे स्ट्रेच रोड्स के हैं, जो कि तेज़ वाहन वहाँ पे ना चले, मोटरसाइकिलें ना चले, एक्सीडेंट ना हो, तो वहाँ पे हमारे ज़िगज़ैग बैरियर्स लगाए गए हैं और सारा फोर्स मुस्तैद है। सकुशल नया साल संपन्न कराया। साल 2022 का आज अंतिम दिन है। साल 2023 बाहें फैलाकर सभी के स्वागत के लिए खड़ा है। लोग नए साल का स्वागत करने की तैयारी में जुट गए। शहर के होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने नए साल के आयोजन के लिए खासी तैयारी की है। रेस्टोरेंट के अलावा मंदिरों और धार्मिक स्थलों में भी न्यू ईयर के दिन अच्छी खासी भीड़ होती है। साल के आखिरी दिन को हर कोई अपने तरीके से सेलिब्रेट करता है। लोगों ने नए साल को खास बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। जिले में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो नया साल भगवान के दरबार में शुरू करते हैं। हालांकि ज्यादातर युवा इस दिन दोस्तों के साथ पार्टी के मूड में होते हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए होटलों और रेस्टोरेंट में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए तमाम ऑफर दिए जा रहे हैं। लेट नाइट पार्टी एवं डिनर के लिए फैमिली पैक की बुकिंग की जा रही है। होटलों में कमरे गुब्बारे और झालरों से सजाए जा रहे हैं। वहीं न्यू ईयर का गिफ्ट देने के लिए दुकानों पर युवाओं की भीड़ उमड़ रही है। कई मंदिर, दिवालियों और चर्चों में नए साल के दिन विशेष तरह की तैयारियां होती हैं। इस दिन यहां पर कई तरह के भोग बनाए जाते हैं। नए साल के अवसर पर केक दुकान और गिफ्ट दुकानों में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। बेकरी दुकानों में केक की बिक्री अचानक बढ़ गई। इसके अलावा गिफ्ट दुकानों में भी ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। ज्यादातर युवा साल 2022 की विदाई और साल 2023 न्यू ईयर का स्वागत केक काट कर करेंगे। ये नया साल हम लोग बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं और यही कामना करते हैं कि सबके जीवन में नया साल खुशियाँ लाए और जो बीता हुआ साल है वो जिस तरह से अच्छे से सभी के जीवन में बीता, आने वाला भी साल हमारे जीवन में अच्छा बीते। बहुत एक्साइटमेंट होती है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ सब लोग इसका इंतज़ार भी करते हैं, मनाते हैं इसको 12 बजे। वही काफ़ी लोग हैं जो केक को कट करते हैं, हाँ, अपना अपने परिवार के साथ इसको मनाते हैं। हम लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, अपना घर सजा देते हैं, केक को मंगा के रखे रहते हैं। जब देखते हैं कि घड़ी में 5 मिनट बाकी रहता है या 2 मिनट बाकी रहता है तो हम लोग आराम से जो है सबको इकट्ठे होकर केक को काटते हैं, डीजे उजे बुला बजा के पूरा डांस वांस करते हैं। जी बिल्कुल होता है,
हम नए साल में घर को सजाते हैं गुब्बारों से एंड केक काटते हैं, डांस करते हैं, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। 12 बजे जब 12 बजते हैं घड़ी में तो फिर सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं पहली बात, फिर सब साथ में केक काटते हैं, सब खुश रहते हैं एंड सबका फ़ोन करते हैं, सबको विश करते हैं। क्या चाहते हैं नया साल आप लोगों का कैसा हो? हमारा नया साल काफ़ी अच्छा हो, आई मीन अभी कोरोना से दूरी रहे सब और सब अच्छे से रहे, हैप्पी रहे। नया साल हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, बहुत अच्छे तरीके से मनाना चाहते हैं हम लोग। देखते हैं जब घड़ी में 12:05 जब बाकी रहता है, अपने घर को गुब्बारे और केक को मंगा करके अच्छे से मनाते हैं, केक को काट करके सबको खिला पिला के मना लिया जाता है नया साल। नया साल हमारे जिला वासियों को सबसे अच्छा नया साल रहे, इसी का हम लोग को इंतजार रहता है, यही चाहेंगे ढेर सारी शुभकामनाएं हम लोग के परिवार जनपद वासियों के लिए, साथ परिवार के साथ मिल के मनाया जाता है। बच्चे केक काटते हैं, गुब्बारा फूल से सजावट करते हैं, रात में हम लोग 12 बजे सेलिब्रेट करते हैं परिवार के साथ। क्या सोच है कि नया साल 2023 किस तरह का हो, कैसा आदमियों के विकास के लिए चलता है? भगवान जो है सबको समृद्धि दे नए साल पे, और महंगाई से हम लोग थोड़ा राहत मिले, सरकार राहत दे। जनपद के लिए क्या नया हो? जनपद में नई चीज आवे और नए नए, अब यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ खुल गया है, जल्द से जल्द वो शुरू हो, बच्चों को शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। आजमगढ़ के जीनपुर कोतवाली क्षेत्र के अजमतगढ़ में आर्किटेक्ट की पीट पीट कर हत्या का आरोप लगाकर स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया। अजमतगढ़ नगर पंचायत के गुरु गोविंद नगर निवासी 42 वर्षीय आर्किटेक्ट फिरोज अहमद पुत्र शमशुद्दीन शुक्रवार की देर शाम को घर के पास मौजूद था। आरोप के अनुसार स्थानीय पुलिस चौकी प्रभारी लाल बहादुर उनको किसी मामले को लेकर चौकी पर चलने का दबाव बनाने लगे, जिस पर बताया जा रहा है कि फिरोज ने मना कर दिया। आरोपी की चौकी प्रभारी धमकी देकर चले गए। कुछ देर बाद फिरोज लापता हो गया। सुबह उसका शव उसके घर के सामने शिव मंदिर के पास बाहर पड़ा हुआ मिला। शरीर पर चोट के निशान थे, जिस पर आरोप है कि पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हो गई। इसके बाद वहां पर भारी हुजूम उमड़ पड़ा, शव लेकर लोग वहीं बैठ गए। पुलिस सूचना के बाद पहुंची तो शव को कब्जे लेने नहीं दिया गया। हंगामा बढ़ता देख एसपी सिटी शैलेंद्र लाल भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों ने चौकी प्रभारी के खिलाफ तहरीर दी। उसके बाद पुलिस लेके आई है यहाँ पे, यहाँ पे पुलिस अपना रोना धोना शुरू कर दिया, अपना पतिया रही थी। उसके बाद वो खड़े थे, हम लोग बोल रहे थे तो पुलिस वाले सुन नहीं रहे थे, गाली दे रहे थे पुलिस वाले। पुलिस पे क्या आरोप है? पुलिस पे क्या कहना? पुलिस ने और हाथ उठाया था मारने के लिए। टोटल काम उस पुलिस वाले का है, ऐसा नहीं दोगे देखा, ये टोटल यही पुलिस वाले का काम और किसी का काम नहीं है, वही करवाया ही है। अच्छा, पैसा भी लेने का? हाँ, पैसे के लिए शाम को पैसे के लिए डिमांड कर रहा था, वहाँ पे हम लोग थे कि पैसा दे दो तो रफा दफा कर देंगे, तो पैसे के चक्कर में कई चक्कर आया रात में। उसी के कौन है? अजमतगढ़ चौकी इंचार्ज। हाँ, यहाँ पे जो अजमतगढ़ था वो काला नाग यहाँ पे आया, हम लोग खड़े थे तो पैसे के लिए धमकी दे के गया, समझ में आ जाएगा कल तुम लोग को, समझ में आ जाएगा। एसपी सिटी के समझाने के काफी प्रयास के बाद लोग चौकी प्रभारी को तत्काल सस्पेंड करने की मांग करने लगे। एसपी सिटी ने चौकी प्रभारी को सस्पेंड करने का भरोसा दिया और सही बात जांच की बात कही है। द्वारा जो लाटघाट के रहने वाले 376 की तहरीर फिरोज नाम के व्यक्ति जिनकी उम्र 47 साल है, इनके विरुद्ध दी गई थी। इसके उपरांत आज डेड बॉडी मिली है यहाँ मंदिर के निकट, यहाँ मिली है अजमतगढ़ में। सब स्पष्ट कारण जानने के लिए कि मृत्यु का क्या कारण है, बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और जो भी तहरीर प्राप्त होगी मुकदमा पंजीकृत पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, फिलहाल ये चौकी इंचार्ज के आरोप लगे, सर उनकी क्या कार्रवाई की गई? जो कुछ लोगों ने आरोप लगाए हैं कि उन्होंने अभद्रता करी है, इस सिलसिले में उनको निलंबित कर दिया गया है और जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और तहरीर आएगी बिल्कुल निष्पक्ष विवेचना कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, मौके पे सारा फोर्स कायम है, मौजूद यहाँ पे और शांति व्यवस्था कायम है, अभी भी रहेगी, कुछ टुकड़ियाँ रहेंगी जी। हाँ, यहाँ पे एहतियातन फोर्स यहाँ छोड़ा जाएगा। थैंक यू सर। नया वर्ष सभी लोगों को मुबारक हो। हमारे ज़िले के जितने भी लोग हैं, नव वर्ष की सबको शुभकामनाएं हैं।
मैं चाहता हूं कि नए वर्ष में सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हाँ, एक परेशानी नए वर्ष में आने वाली है, कोरोना की थर्ड वेव। इसके लिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि लोग मास्क लगा के रहें। जो लोग किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रसित हों उनको ज़्यादा सावधानी रखनी है, और जो लोग बूस्टर डोज न लगवाए हों टीके का, वो सब लोग बूस्टर डोज जरूर लगवा लें और सावधानी बरतें। हम लोग तो साथ हैं ही जनता के। डॉक्टर इर्तिका अली, मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ रमा हॉस्पिटल में। मैं अपनी तरफ से और समस्त रमा हॉस्पिटल परिवार की तरफ से सभी जनपदवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभी जनपदवासियों से अपील करता हूं कि मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, बाहर की चीज़ें कम खाएं, घर की चीज़ें ही खाएं, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। मैं फिर से एक बार सभी जनपदवासियों को रमा हॉस्पिटल की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर रजनी तिवारी, मातृत्व वुमेन्स हेल्थ केयर एंड IVF सेंटर से, अ यूनिट ऑफ विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि आने वाली इस ठंड में माताओं का, बच्चों का खास ध्यान रखें। खास करके जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना ध्यान दें। आने वाले जो वायरल इलनेस है आजकल जो बहुत फैल रहा है, जुकाम खांसी करके बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाएं OPD में आती हैं, वो अपना खास ध्यान रखें। एक बार पुनः मैं अपने अस्पताल विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लच्छीरामपुर हीरापट्टी की सभी स्टाफ, सभी डॉक्टरों की तरफ से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सरोदा पब्लिक स्कूल सरोदा परिवार की तरफ से मैं सभी उत्तर प्रदेश के प्रबंधक साथियों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना देता हूं, और सभी विद्यालय के सभी अभिभावक और प्यारे बच्चों को और सभी स्टाफ को जो है नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना देता हूं, और साथ में उम्मीद करता हूं कि आने वाला 2023 सभी लोगों के जीवन में खुशियां लाए और सभी लोग खुश रहें जो है। पुनः सभी सर्वोदय परिवार के तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश के प्रबंधक साथियों को, सभी अभिभावक को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना देता हूं। मैं व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा और घुट्टूर सेठ, नए वर्ष की सबको बहुत बहुत बधाई 2023। सभी नगरवासियों को, सभी जनपदवासियों को, सभी व्यापारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और सबके जीवन में खुशियाँ लाएँ और नगर को साफ सुथरा स्वच्छ बनाए। पुनः सभी जनपदवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। मैं नव वर्ष के शुभ अवसर पर आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आने वाला साल सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लाए, सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सहयोग करें और कार्य करें। पुनः मैं आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जनता पार्टी आजमगढ़, मयंक गुप्ता जिला कोषाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ की तरफ से आप सभी नगरवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को, पूरे जनपद को नए वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, एवं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ आपका नया वर्ष उज्ज्वल हो और सुख और समृद्धियों से भरा हुआ हो। एक बार पुनः मैं आप सभी जनपदवासियों को नए वर्ष की, नए कैलेंडर वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष 2023 संपूर्ण देशवासियों के लिए मंगलमय हो। देश में हर तरफ सुख, शांति, समृद्ध, प्रेम और हर्ष का वातावरण फैले। लोगों के अंदर सामाजिक सद्भाव की भावना प्रबल हो। आज हमारा देश पूरे विश्व पटल पर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है। हम अपने पुरानी जो हमारी पहचान थी भारत देश की, भारतीय संस्कृति की, उसको और आगे बढ़ाने में कामयाब हों। यह प्रभु श्री राम का देश है और श्री राम की मर्यादा के अनुरूप यहाँ के नागरिक उनके आचरणों का पालन करें। सभी देशवासी प्रसन्न रहें, सुख रहें, सुखी रहें। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नववर्ष के इस अवसर पे मैं आजमगढ़ की जनता,
नगर पालिका क्षेत्र के नगरवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हुए उनसे अपील करूंगा कि यह वर्ष हम सबका खुशियों का वर्ष हो, तमाम मुसीबतों से हमें मुक्ति मिले, इसके लिए मैं आप सबको शुभकामना देते हुए पुनः आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि नया साल आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आवे। नव वर्ष 2023 की सभी जनपदवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। श्री गुरु गोविंद सिंह जी, वाहेगुरु की कृपा सब पर बनी रहे और नव वर्ष जो आने वाला है यह सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। पूरे जनपदवासियों को, आजमगढ़ जनपदवासियों को मेरी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। जिले के ऑर्थो रोग विशेषज्ञ व आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी राय को डॉक्टर एकेएन सिन्हा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। बता दें चले कि डॉक्टर डीपी राय जनपद के हड्डी रोग विशेषज्ञ के साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 97वें वार्षिक कॉन्फ्रेंस प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित 27 व 28 दिसंबर को आयोजित थी। इस कॉन्फ्रेंस में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीपी राय को डॉक्टर एकेएन सिन्हा अवार्ड से सम्मानित किया गया। आईएमए ने डॉक्टर डीपी राय को ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कार्य देने के लिए यह पुरस्कार दिया। इस पुरस्कार से डॉक्टर डीपी राय काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि वो वही नहीं अन्य चिकित्सकों को भी अपने अपने क्षेत्रों में चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करें। उन्होंने पुरस्कार के लिए जनपद के सभी चिकित्सकों व आमजनों का धन्यवाद दिया। कार्यों को जो कि रूरल हेल्थ सर्विसेज में और एक कुछ अलग तरह का मतलब हेल्थ सर्विसेज मैंने रूरल एरिया में ज़्यादा किया है, इसके सम्मान में मुझे जो डॉक्टर ए के एन सिन्हा पुरस्कार है जो कि ऑल इंडिया आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह ने राज में जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी 27 और 28 दिसंबर को, उसमें 27 दिसंबर को मुझे ये पुरस्कार राष्ट्रीय हमारा जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसके द्वारा दिया गया। ये प्रयागराज में जो हम लोगों के बहुत दिन बाद उत्तर प्रदेश में आईएमए की नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें पूर्वोत्तर से लेकर के दक्षिण भारत से लेकर पूरा उत्तर भारत और हर स्टेट के डॉक्टर्स जुटे थे, उन्हीं लोगों में से कुछ चुनाव हुआ था पुरस्कार के लिए, उसमें मैं भी एक था। एक अच्छा पुरस्कार है, आईएमए का बहुत प्रेस्टिजियस पुरस्कार है डॉक्टर ए के एन सिन्हा पुरस्कार। उनके सम्मान में डॉक्टर ए के एन सिन्हा साहब जो डॉक्टर हैं उनके सम्मान में पुरस्कार दिया जाता है, वो मुझे मिला। मानक आपके कार्यों को देखते हैं चयनित किया जाता है। आईएमए द्वारा जो हमारा रूरल एरिया में जो हेल्थ केयर सर्विसेज या जो भी मैंने जिसमें वर्क किया था, कुछ और तरह की एक्टिविटी सामाजिक संगठनों में भी मैं काफ़ी सहयोग काफ़ी सक्रिय रहता हूँ, इन्हीं सब को देखते हुए मुझे पुरस्कार दिया गया। सर अगला आपका क्या कदम होगा? जैसे नहीं, मैं आईएमए के लिए और लोगों की हेल्थ सर्विसेज के लिए, चाहे वो सरकारी प्रोग्राम हो चाहे हम लोग अलग से कुछ करें, मैं हर चीज़ में हमेशा सहयोग देने के लिए तत्पर रहूँगा। ये मेरा आजीवन ये आईएमए के लिए भी और लोगों के लिए भी मैं आजीवन ये काम करता रहूँ। शनिवार को प्रादेशिक क्षेत्रीय मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ चकबंदी विभाग आजमगढ़ द्वारा लाल चंद्र राम मुख्य अनुरेखक व विमला देवी अनुसेवक की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नवागत उप संचालक चकबंदी आजमगढ़ संतोष कुमार सिंह का भी स्वागत अभिनंदन संघ द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश चंद जायसवाल, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी आजमगढ़ तथा संचालन प्रदीप कुमार सिंह, अध्यक्ष मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्मियों को अंगवस्त्र आदि भेंट किया गया तथा उनके देयकों में पेंशन का भुगतान आदेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राकेश बहादुर सिंह, जितेंद्र सिंह, वसुदेव सोमेश पांडे, चकबंदी अधिकारीगण व सूर्य प्रकाश यादव, राधेश्याम वर्मा, त्रिगुनायत अभिषेक श्रीवास्तव, सत्येंद्र मिश्र, राहुल पाल, प्रदीप दुबे, राज बहादुर, अखिलेश चौहान व सौरभ सिंह, उमेश सरोज, पूजा यादव, अनीता अर्चना, शोभा, विजय प्रताप आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उक्त कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्त की कार्य की सराहना के साथ उज्जवल भविष्य की कामना की गई। दिसंबर आज है, ये साल भी बीत रहा है और हमारे बीच से हमारे दो कर्मचारी, एक ड्राफ्ट मैन लालचंद जी और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महिला हैं जो बिमला जी, ये सेवानिवृत्त हो रही हैं अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके, और हम लोग इनके उत्कृष्ट कार्यों और इनके सराहनीय सेवा के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, इनको भावभीनी विदाई दे रहे हैं। और हमारे बीच से
ये लोग आज एक दीर्घकालीन सेवा पूर्ण करके विदा हो रहे हैं। हमारी पूरी संवेदना इनके परिवार और इनके प्रति है और इसी को व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि हमारे दोनों कर्मचारी अपने जीवन में आगे स्वस्थ प्रसन्न रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। आजमगढ़ नगर के गुरुघाट स्थित श्री राम जानकी मंदिर में चल रहे संगीतमय श्री राम कथा के चौथे दिन शुक्रवार की रात कथावाचक अंकित चतुर्वेदी जी महाराज ने श्री राम जन्मोत्सव लीला का मोहक ढंग से वर्णन करते हुए लोगों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि इस धरती पर जब गौ ब्राह्मण संत को सताया जाता है तब तक प्रभु श्री राम का प्राकट्य होता है। कथा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इस धरती पर मुक्ति के साधन कहीं भी प्राप्त हो, चाहे काशी हो, हरिद्वार हो, मथुरा हो, संबंध श्री राम का ही है। संपूर्ण जगत को तारने वाले श्री राम प्रभु ही हैं। महाराज जी ने बताया कि प्रभु श्री राम का ऐसा स्वभाव है कि वो दयालु परमात्मा क्रोध भी कर दे तो मुक्ति मिल जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु ना ही कहूँ, राम जी जैसा कोई नहीं। इसलिए तो मनु जी से भगवान ने स्वयं कहा कि आपु सरिस खोजो कह जाई, नृप तब तने हो प्याई, ऐसे प्रभु श्री राम पूरे भारतवर्ष की रक्षा करें। अंकित जी महाराज ने अपने श्री राम की अवतरण और उद्देश्यों का वर्णन करते हुए श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन, मंत्री संजय कुमार पांडे जी, राम प्रकाश त्रिपाठी एडवोकेट, ओम प्रकाश गुप्ता, ढुनमुन सोनकर, नंदू सोनकर, हर्ष सहयोगी, कविकांत उपाध्याय आदि सहित भारी संख्या में श्रद्धालु भक्त उपस्थित थे। विगत तीन दिनों से श्री अंकित चतुर्वेदी जी महाराज के मुखारविंद से दिव्य श्री राम कथा हो रही है। इस कथा का आयोजन श्री राम जानकी मंदिर में बहुत पहले भी किया जाता था, जिसमें ब्रह्मर श्री मौनी बाबा जी महाराज का भी आगमन होता रहा। विगत कुछ वर्षों से कोरोना के वजह से यह कार्यक्रम 3-4 वर्ष तक नहीं हुआ। इस वर्ष से पुनः जो है श्री राम कथा का आयोजन यहाँ पर प्रारंभ हुआ है और कथा श्री अंकित चतुर्वेदी जी महाराज जो बहुत ही अच्छे कथावाचक हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से उनके द्वारा कथा की प्रस्तुति की जाती है। आज यहाँ पर जो उन्होंने श्री राम जन्मोत्सव का वर्णन किया है, श्रोतागण जो है भाव विभोर होकर नाच उठे थे। तो ऐसी दिव्य श्री राम कथा में श्रद्धालुजन अच्छी संख्या में उपस्थित हों। अभी यह कथा 3 दिनों तक 31 दिसंबर 1 जनवरी और 2 जनवरी को और चलेगी। 2 जनवरी को कथा का समापन होगा। लोगों से अनुरोध है कि यहाँ पर जो है श्री राम जानकी मंदिर गुरुघाट आजमगढ़ में उपस्थित होकर श्री अंकित चतुर्वेदी जी महाराज के मुखारविंद से कथा श्रवण करें।
थवरनाथ आजमगढ़ अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद, होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। मोती महल डीलक्स, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, सरावर्ती चौक, आजमगढ़। साउथ इंडियन डिशेज अवेलेबल, 7 टाइप्स ऑफ डोसा, छोले भटूरे, बर्गर, पास्ता, रैप्स एंड रोल्स, मटका बिरयानी, फ्री तंदूरी ब्रेड्स इन लंच आर। वी आर अवेलेबल फॉर किटी, बर्थडे, एनिवर्सरी, कॉर्पोरेट पार्टी, फेयरवेल पार्टी एंड आउटडोर केटरिंग। फ्री होम डिलीवरी। मटका बिरयानी हैज स्टार्टिंग चंपारण वेरी सून। वैलेट पार्किंग अवेलेबल। मोती महल डीलक्स, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, सदावर्ती चौक, आजमगढ़।